को सुनें और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। आइए तो चलते हैं आज की रेसिपी पर, जिसका नाम है चिकन यखनी पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे तो यखनी पुलाव एक मिडल ईस्ट की डिश है, जिसे इंडिया में तरह तरह से बनाया जाता है। हर रीजन की एक अलग स्पेशलिटी, अलग स्पाइसेस में ढाल दिया जाता है। इसे यूपी में कैसे बनाया जाता है, आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। यखनी पुलाव में इतनी खुशबू होती है कि आपको खुशबू से ही भूख लगने लगेगी। यखनी पुलाव की यखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 लीटर का पतीला लेंगे, जिसमें 2 लीटर पानी लेंगे। उसके बाद हम उसमें 500 ग्राम चिकन लेंगे, 6-7 लहसुन के जवे लेंगे, 3 मीडियम साइज़ की प्याज मोटी कटी हुई, 3 टेबलस्पून मोटी सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच नमक। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको उबलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ये चिकन हाफ कुक हो जाएगा। हमें इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ हमारा चिकन उबलने लगा है और इसको खोलते ही ऐसी खुशबू महसूस होगी जिसकी बात ही अलग है। यखनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें से पानी और चिकन के पीसेस को सेपरेट कर लेंगे। इस पानी को बिल्कुल ना फेंकें, यही तो इस पुलाव की जान है। अब हम उसी पतीले में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, जिसके अंदर 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस की हुई गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। साथ ही में हम खड़े गरम मसाले भी इसमें मिला देंगे, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद जो चिकन के पीसेस हमने अलग करके रखे थे वो डालेंगे और उसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। हमारा चिकन ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल उतने ही लेंगे जितना चिकन लिया था। हमने 500 ग्राम चिकन लिया तो 500 ग्राम ही चावल डालेंगे।
अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम जो यखनी का पानी हमने रखा था वो मिलाएंगे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक और ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च लंबी लंबी काट के रखी थी, उसको ऐड करूँगी। अब यहाँ हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट उबालेंगे। पुलाव की खुशबू से मेरे हस्बैंड भी किचन की ओर आ चुके हैं। पुलाव को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं एंड ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, तभी हम इसमें फूड कलर मिलाएंगे। हमने यहाँ ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है, जिसको हमने दूध में भिगो लिया था और चावल में मिला दिया। अब यहाँ पर 3 से 4 बूंद हम केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अगर आप इसमें कलर ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अभी हमारे पुलाव में हल्का सा पानी है, जिसे हम पूरी तरीके से पका लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। यहाँ हमारा पुलाव लगभग पक चुका है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसे यखनी पुलाव या बिरयानी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे रायता या चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे रायते के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ये रायते के साथ ही पसंद किया जाता है। ये पुलाव हम वेज भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।